बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यू न्यूज़ के प्रोग्राम लेट्स टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में टूरिज़्म के हवाले से, और आपको बताते चलें पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। यूरोप में बुलंद तरीन पहाड़ की ऊँचाई 5000 मीटर है, जबकि पाकिस्तान में 7500 मीटर के लगभग 30 पहाड़ हैं। दुनिया में 8000 मीटर के 14 पहाड़ हैं, और इनमें से पाकिस्तान में 5 पहाड़ मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में मौजूद है जिसमें हर किस्म की ज़मीन पाई जाती है। पाकिस्तान में 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद मौसम तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान में दरिया भी हैं, समुंदर भी हैं, बुलंद बाला चोटियां भी और मैदान भी हैं, सहरा भी हैं, सरसब्ज़ खेत भी हैं, खुश्क और बंजर चोटियाँ भी हैं, और बर्फ़ की ऐसी गारें भी मौजूद हैं जहाँ तक आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुँच सका। पाकिस्तान इन्हीं जगहों से बेशुमार भरपूर भरा पड़ा है, और लोग इसकी सियाहत को दूर दूर से तशरीफ़ लाते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में नेशनल टूरिज़्म पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़िशान शहज़ाद। हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियाहत जो है इस वक्त किस मुकाम पर है। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़िशान, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो सियाहत है उसको आप क्या देखते हैं, किस नहज पर है वो? पाकिस्तान की सियाहत इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से बूस्टअप हो रही है, और अगर हम लोग थोड़ा सा मुवाजना करें, आज से 3-4 साल पीछे जाएं, तो एक बहुत बड़ी चेंज, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आपको दिखाई देगी। कुछ नंबर्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये UNWTO की तरफ से जारी करदा नंबर हैं जो हर मुल्क के नंबर्स को शेयर करते हैं। इसमें 2015 और 16 में बहुत एक बड़ा चेंज आया था हमारे पाकिस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री में, जिसका आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि 2015 में 328.3 मिलियन का रेवेन्यू टूरिज़्म इंडस्ट्री से जनरेट हुआ था, जबकि 2016 सिर्फ एक साल के बाद 793 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा जो है इसमें चेंज आ गया था। और इसी तरह अगर हम लोग पिछले साल को देखें 2017 में, तो ये 930.9 बिलियन का रेवेन्यू हमारे पास जनरेट हो चुका हुआ है। 2018 में जो एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, वो 986 बिलियन है। और इसी तरह UNWTO की जो रिपोर्ट है उसमें 2028 में पाकिस्तान को उन्होंने देखा है कि 2028 में पाकिस्तान किस नहज पे पहुंच चुका है, वो है 1727.7 बिलियन। मतलब हम लोग, हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, फ़रोग पा रही है, उसमें मतलब अभी जो है कमी नहीं आ सकती। रीज़न क्या है कि हमारी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है PTI की, उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री को। जैसे अगर ये जॉब्स की बात करते हैं हमारी मौजूदा गवर्नमेंट, तो 2015 में अगर हम लोग देखेंगे टूरिज़्म इंडस्ट्री ने कितनी जॉब्स जनरेट की थी, इसके मेरे पास दो फिगर्स मौजूद हैं 2017 और 18 के, क्योंकि अभी जॉब्स का एक नारा भी लगा रखा है मौजूदा गवर्नमेंट ने, और वो टूरिज़्म का सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा जॉब्स मज़ीद जनरेट करेगी। जैसे कि 2017 में आप देखें तो 14,93,000 जॉब्स 2017 में डायरेक्ट जॉब्स जो है एम्प्लॉयमेंट हुई थी पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री में, इन शेप ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज़ लाइक टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स एंड होटल्स, इस तरह किसी भी टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी कैटेगरी को देख लिया जाए। और अब तक 2018 में 15,34,000 एम्प्लॉयमेंट्स हो चुकी हुई हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह हम लोग विजिटर्स का एक मुआजना देखें 2015 से 2018 या 17 तक कि कितने विजिटर्स पाकिस्तान में आए या हमारी डोमेस्टिक टूरिज़्म हुई, 2015 में 5,63,400 विजिटर्स ने पाकिस्तान में मूव किया, जिसकी वजह से हमारा वो एक रेवेन्यू जनरेट हुआ था। ये जबकि ना सिर्फ पाकिस्तानी है बल्कि जी बिल्कुल इसमें तमाम जो है टूरिस्ट शामिल हैं। और 2016 में 9,65,498 विजिटर्स पाकिस्तान में मूव हुए, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू का एक बहुत बड़ी चेंज भी आई उसी में। और 2017 में आप देखेंगे 16 के बाद 17 में कितना बड़ा गैप आ गया एकदम से, बिल्कुल इसमें 17,50,000 विजिटर्स ने मूव किया पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू ऑब्वियसली बात है कि तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त अगर हमारा देखा जाए तो हमारा टोटल जो पाकिस्तान का GDP है उसमें 2.9% जो है GDP टूरिज़्म इंडस्ट्री की तरफ से शामिल हो रहा है।
और सी पैक की जो रोड नेटवर्क है उसकी वजह से और गवर्नमेंट की टूरिज़्म में इंटरेस्ट की वजह से, सिविल सोसाइटी और टूर ऑपरेटर्स जिन्होंने स्पेशली सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, तो इससे फॉरेनर टूरिस्ट में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, ना सिर्फ फॉरेनर बल्कि गवर्नमेंट ने भी जो इनिशिएटिव लिए हैं कि हम लोग जो है वो बाहर जो जितने भी सियाहत के शौकीन लोग हैं उनको पाकिस्तान आने की दावत। एग्जैक्टली ये तो मौजूदा गवर्नमेंट ने चलें बहुत ज़्यादा अच्छा किया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो ये जो UNW की जो एक्सपेक्टेशंस हैं 2028 के हवाले से, अगर मौजूदा गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से चलती रही, ये तो उनकी रिपोर्ट्स थी पिछली गवर्नमेंट के हिसाब से, उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से, इनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से ये 2 से 3 गुना पे भी जा सकती है। जब इनका जो टर्न पूरा होगा उसके बाद जो एग्जैक्टली तो फिर जो है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। मतलब ये है कि अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो पाकिस्तान जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री में फ्लरिश कर रहा है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा ज़ीशान, मुझे बताइएगा अक़वामे आलम जो है इसकी नज़र में पाकिस्तान बतौर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसा मुकाम रखता है, लोग कैसा क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान क्यों जाया जाए या किस हवाले से लोग पाकिस्तान की तरफ मूव करना चाहते हैं? देखिए मैं इसका जो है ना एक शॉर्ट सा ही आपको आंसर दे दूँगा जिससे इस सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि पाकिस्तान को 2018 में एज अ टॉप एडवेंचरस टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया गया है ब्रिटिश बैकपैक सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, मतलब यहाँ पे एडवेंचर्स दुनिया भर में जितने भी मालिक हैं वहाँ पे एडवेंचर्स इतने ज़्यादा नहीं जितने के पाकिस्तान में हैं। रीज़न के पाकिस्तान में बेतहाशा अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ मौजूद हैं, हमारी ऐसे डेस्टिनेशंस मौजूद हैं जो कि जिन्हें के विर्जिन कहा जाता है, विर्जिन पीक्स मौजूद हैं कि उन पे अभी तक जो है किसी का कदम नहीं पड़े। ठीक है, आए दिन कोई ना कोई पीक सर हो रही है, आए दिन कोई ना कोई नए से नया एरिया एक्सप्लोर हो रहा है, तो इस तरह ये पाकिस्तान जो है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो आलमी सियाहत है, मतलब लोग पाकिस्तान आएंगे या इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कितना पाकिस्तान के बारे में आप समझते हैं कि लोगों को आना चाहिए या फिर आते भी हैं तो ऑब्वियसली जी इंशाल्लाह जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं इसके मुताबिक जो है आलमी सयाहत वापस आएगी और इससे अहम हुकूमत से भी ज़्यादा अहम कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान में जो है सियाहत को इतना सिक्योर कर दिया है कि वो बात वही आ जाती है कि कोई भी टूरिस्ट किसी भी कंट्री में अगर जाएगा तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि इज़ दैट सेफ एरिया। ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं, लास्ट टाइम बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिनकी वजह से जी एग्जैक्टली बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि जब हम लोग पाकिस्तान में जाने लगे तो हमसे हमारे घर वालों ने कहा तुम लोग क्या पागल हो, मरने के लिए जा रहे हो, खुदकुशी करने जा रहे हो, पाकिस्तान में जा रहे हो। तो जब वो यहाँ पे आए तो वो पाकिस्तान की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुए कि वो हमारे सफीर बन बैठे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है और लोगों को आना भी चाहिए क्योंकि आप तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो चुके हैं। अब मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में सियाहत जो है इसकी खराबियाँ भी ऑब्वियसली हर जगह पर होती हैं, आप खामियाँ जो आप देखते हैं एज अ टूरिस्ट, क्योंकि आप भी एक टूरिस्ट हैं तो आप इस चीज़ में खामियां देखते हैं और उनका क्या सदबाब क्या कहते हैं कि क्या हल होने चाहिए पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से? पाकिस्तान की सियाहती सनत जो है ये जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, अगर 2015 से अब तक देखा जाए ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो जो चीज़ एकदम से तेज़ी से आगे बढ़ती है तो उसमें ख़राबियाँ भी उतनी ही ज़्यादा पैदा होती हैं। अब वो ख़राबियाँ क्या हैं कि आए दिन नए से नए टूर ऑपरेटर्स वजूद में आ रहे हैं, टूरिज़्म कंपनियाँ वजूद में आ रही हैं, ट्रांसपोर्टर्स वजूद में आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी एक्सपर्टीज़ पे फोकस नहीं करते। कि जैसे अगर सपोज़ मैंने किसी एक के साथ विज़िट किया कहीं पे, वापस आने के बाद मैं फ़ील करूँगा कि ये तो कोई डिफ़िकल्ट टास्क ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बुक कर ली, होटल बुक कर लिया, यूज़र इकट्ठे कर लिए, लेके चले गए और दैट्स इट। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती हैं जो कि हादसात की सूरत में, अगर आपको याद हो तो नीलम का हादसा जो हुआ था रत्ती गली में रिसेंटली हुआ है, और ऐसे अनगिनत हादसात मौजूद हैं जो कि हमारी इस तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी रीज़न डिवेलप कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नेशनल टूरिज़्म पाकिस्तान जो है
ये क्या है जिसके आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, आपने ये अदारा कैसे बनाया और कौन लोग आपके साथ शामिल हैं, इस हवाले से कुछ आप बताएंगे? नेशनल टूरिज्म पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री के इस्तेहकाम के लिए एक अदारा बनाया गया कि हमारे बेशुमार जो टूर ऑपरेटर्स इस वक्त टूरिज्म कंपनीज वजूद में आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन वजूद में आ रही हैं, एकोमोडेशन वजूद में आ रही हैं, उनके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, उनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट्स मौजूद नहीं है जिन पे कि वो फोकस हों और इंटरनेशनल टूरिस्ट को ऐसे वो कॉन्फिडेंस में लेके आएं कि वो किसी और कंट्री में जाएं, वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्री, और पाकिस्तान में आएं तो उनको कोई डिफरेंस ना फील हो, क्यों कि हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जो जिन रूल्स पे हम लोग जो है, जिन स्टैंडर्ड्स पे हम लोग टूर ऑपरेटर्स को लेके आना चाह रहे हैं कि उनका हर ऑपरेटर ट्रेंड हो वो टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से, इसकी अपनी जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो वो उनको यूज़ करेंगे तो बाहर भी वही टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमारे पास भी वही होंगी, तो वो बिल्कुल एक सिमिलैरिटी सी पैदा हो जाती है। और फिर हादसात से निपटने के लिए उनको रेस्क्यू और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स वगैरह हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं ताकि वो किसी भी सूरत में अपने जो विजिटर्स हैं या मेंबर्स हैं उनको फौरी तौर पे सपोर्ट दे सकें। अच्छा, जो एनटीपी है इसने अपनी सियाहत का कोई मयार भी रखा हुआ है, आया कि जो उसने मयार बनाया हुआ वो उस पर पूरा उतरते हैं तो वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकती है? जी, एक्चुअली एनटीपी जो है बजाते ख़ुद एक मयारात बनाने वाला इदारा है, इसने मयारबंदी की है, ठीक है, इसने जो है टूर ऑपरेटर्स के हवाले से, एकोमोडेशन प्रोवाइडर्स के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत सी मयारबंदी की है। इसके लिए हमारी एक बाकायदा एक टीम डेवलप की गई थी जो लगभग 6 PhDs पर शामिल है, जिनमें कुछ कल्चर के PhDs हैं, कुछ इन्वायरमेंट के हैं, कुछ टूरिज़म के हैं, और इसके बाद हम लोगों ने कमोबेश दुनिया के 6 ममालिक के टूरिज़म स्टैंडर्ड्स को स्टडी किया, और फिर जो है हमने ISO के टूरिज़म स्टैंडर्ड्स को भी स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी पाकिस्तान की जो लोकल टूरिज़्म मार्केट है उस मार्केट को हमने स्टडी किया, इन्वायरमेंट्स को स्टडी किया, और इसमें हम लोगों ने इन्वॉल्व किया बहुत सारी टूरिज़्म एजेंसीज़ को, ऑपरेटर्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। उसके बाद जो है इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है फिर कुछ मिनिमम टूरिज़म स्टैंडर्ड्स डिवेलप किए हैं, क्योंकि हम लोग एकदम से हायर स्टैंडर्ड्स पर नहीं जा सकते, ये इसको एग्जैक्टली ये जो है हम लोग चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्टेप बाय स्टेप तमाम टूरिज्म ऑपरेटर्स को, आप देखें मैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ टूरिज्म ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स और टूरिज्म ऑपरेटर्स में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि टूर ऑपरेटर एक सिंगल कैटेगरी है टूरिज्म इंडस्ट्री में, और एज़ पर NTP टूरिज्म ऑपरेटर्स में मोर देन 26 टूरिज्म कैटेगरीज शामिल हैं, जिनमें हमारी 3 मेजर कैटेगरीज एकोमोडेशन, टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइडर्स और ट्रांसपोर्टेशन हैं, बाकी इनकी सब कैटेगरीज हैं। तो NTP जो इनका जो एक मयार इन्होंने बनाया हुआ है वो जो एक तो पाकिस्तानी सियाह जो हैं उनको और जो बैरून मुल्क से आते हैं उनके लिए कोई फ़ायदा भी है इनके लिए स्पेशल? एग्जैक्टली, देखें जब मैं मिसाल के तौर पे आप ही को इसमें लूँगा कि अगर आप जो है किसी जगह सियाहत के लिए जाते हैं, जैसे कि आपने कुमराट वैली आप चले जाते हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपने वहाँ जाने से पहले उस एरिया को सर्च किया, उसको इंटरनेट के ज़रिए देखा, लोगों के रिव्यूज़ उसके बारे में पढ़े, पिक्चर्स देखी, वीडियोज़ देखी, लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर आपको इन्वायरमेंट वहाँ का नहीं मिलता है जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आपको वहाँ पे कोई एकोमोडेशन वैसी नहीं मिलती है जैसा कि आप रिव्यूज़ पढ़ कर गए थे, और आपको गाइड कोई वैसा नहीं मिलता है कि जो वो दावा कर रहे हैं, तो आप जो है मुतनफ़र हो जाएंगे उस एरिया से, फिर आप कहेंगे हम लोग बगैर छानबीन किए जब जाते हैं किसी भी जगह, फिर आप तो हमारी प्रॉब्लम, फिर आप दूसरों को भी मना करेंगे कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना है। तो हम लोगों ने जो है इसका एक ऐसा मोतबर सिस्टम डिज़ाइन किया है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है कि कोई भी अगर जाना चाहता है तो वो NTP के ज़रिए, NTP की वेबसाइट के ज़रिए, या फिर जो हमारे सर्टिफाइड ऑपरेटर्स हैं जो उनके ज़रिए वहाँ पे जाता है, तो वो डेफिनेट सी बात है जो हमसे सर्टिफिकेशंस लेता है वो हमारी जो नेशनल टूरिज़्म स्टैंडर्ड्स हैं उनको ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो 100% आपके मुताबिक ही होंगे कि आप जो सोचेंगे या जो स्टडीज़ जो है NTP से लेकर जाएंगे वो इक्वलेंट ही चीज़ें आएंगी।
ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा एन टी पी की जो कौमी सियाहती मीयारात हैं इसके जो नफाज का क्या तरीका क्या अख्तियार किया है, वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें? जी हमारे जो मीयारात हैं, डेफिनेट सी बात है अगर हम लोग बराह रास्त जाते हैं किसी टूर ऑपरेटर से कि भाई आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, तो वो तो कभी भी नहीं मानेंगे हमारी बात को। तो हमारा तरीकाकार क्या है कि एन टी पी खुद से कोई काम नहीं करता, ये गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर रहा है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि नारान में जो रिवर राफ्टिंग इस वक्त हो रही है, वहाँ पर दरिया में जो कश्तियाँ चलाई जा रही हैं एक एडवेंचर के लिए और राफ्ट्स वगैरह, अब उनको एनओसी लेना पड़ता है केडीए से, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी से। जब वो एनओसी के लिए वहाँ पे जाते हैं तो केडीए कोई भी एडवेंचर सर्विसेज हो, राफ्टिंग ही नहीं कोई भी हो, तो वो पहले रेफ़र कर देते हैं कि आप लोग जाएं एनटीपी के पास, वहाँ से अपने आप को सर्टिफाई करवाएं, देन हम आपको एनओसी इशू कर देते हैं और आप अपने यहाँ पे ऑपरेशंस शुरू कर लेते हैं। वो आप उनको जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक एग्जैक्टली हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कौमी सियाहत के जो ऑपरेटर्स हैं जिनका आपने जिक्र भी किया है, इनके जो है वो कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या होते हैं, ये कैसे? जी इसमें जो कौमी सियाहत के कोड ऑफ प्रैक्टिस हैं, इसमें मैं कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं और कुछ हमारे एक्शंस हैं। अब हमारे जो है प्रिंसिपल्स में क्या चीज़ आ जाती है कि क्वालिटी इन टूरिज़्म सर्विसेज, ठीक है, इसके बाद जो है प्रोफिशिएंट इन टूरिज़्म बिजनेस, के आप ऐसे ही उठ के एकदम से शुरू नहीं हो जाएं बल्कि उसकी एक मुकम्मल हाव नाव रखें, ठीक है, और इसके बाद जो आपका स्टाफ जो है ट्रेंड होना चाहिए, सिक्योरिटीज़ आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट सा जिक्र करता जाऊँ तो हमारी जो है सर्विसेज में प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो है इंतजाम बेहतरीन होने चाहिए, एग्जैक्टली, और उसके बाद जो है फिर सस्टेनेबिलिटी आती है कि अगर एक टूर ऑपरेटर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू भी आ रहा था कि जिसमें हमारी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, वो क्या है कि यहाँ से एक टूर ऑपरेटर अगर यहाँ से ग्रुप उठाता है और चला जाता है नारान में, ठीक है, तो यहाँ से जाते हुए उसके माइंड में क्या आता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स होलसेल में यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं रिफ्रेशमेंट का जितना सामान है वो यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि उसको कम पैसों में पड़ता है वहाँ पे, एग्जैक्टली, तो वहाँ पे जाके वो उन्हीं से इंटरटेन करता है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इससे जो है वहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम है, वहाँ का जो सस्टेनेबिलिटी है नारान की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो वहाँ के लोग आपकी जो है ना मेहमान नवाजी के लिए वो सामान लेके बैठे हुए हैं, उनका रोज़गार है उस चीज़ से। तो ये टूरिज़्म इंडस्ट्री में चाहिए कि हम एक दूसरे की मुकम्मल सपोर्ट करें ताकि जो है वो लोग भी सस्टेनेबल रहें, उनकी जो है एक ज़रिया मुआश भी बेहतरीन चलता रहे, और दूसरा जो है यहाँ से जाने वाले भी अपना एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते रहें। अच्छा मुझे बताइएगा नेशनल टूरिज्म पाकिस्तान जो है ये इसका कितना फोकस है, पाकिस्तान में ही है या फिर पाकिस्तान से बाहर भी आप लोगों को भिजवाते हैं या खुद जाते हैं? देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि नेशनल टूरिज्म पाकिस्तान एक टूरिज़्म एक्रेडिटेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग स्टैंडर्ड्स डेवलप करवाते हैं, हम लोग टूर ऑपरेशंस नहीं करते, ठीक है, हम लोग जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको स्टैंडर्ड्स पे लेके आते हैं, या टूरिज़्म ऑपरेटर्स को हम लोग एक हमारी जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उन पे लेके आते हैं, और जैसा कि हमारे नाम से ही जाहिर होता है नेशनल टूरिज़्म पाकिस्तान, तो हमारा फोकस पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री पे है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं उनको पाकिस्तान में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और उनको यहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। अच्छा नेशनल टूरिज़्म जो है इसका रेटिंग सिस्टम एक होता है, ऑब्वियसली हर एक इदारे का होता है कि यार हमने ये काम करना है तो हम लोग ऐसे इसको करेंगे, तो इस तरह जो जो ऊपर हमको इनाम जिस तरह स्केल बना होता है उसका वो सिस्टम क्या है और उसके फ़ायदे जो हैं जो आपने सोचे भी होंगे ऑब्वियसली के बाद, तो ये फ़ायदे आप बताएंगे उसमें मेन चीज़ें के फ़ायदे क्या हैं इसके? जी देखिए जितने भी टूर ऑपरेटर्स या टूरिज़्म ऑपरेटर्स हमारे से एक्रेडिटेड हो रहे हैं, हमसे सर्टिफाई हो रहे हैं, तो हमने उनका एक रेटिंग सिस्टम डेवलप किया है ताकि फ्यूचर में जब कभी वो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उनके बीच में एक कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा कर सकें कि हर साल अप्रैल में हमारे जो है नेशनल टूरिज़्म अवार्ड्स प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह कमिंग अप्रैल से, जिसमें हम लोग अगर एक टूर ऑपरेटर है तो उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक हम उसको अवार्ड देंगे, जिसमें हमारे हम लोगों ने सिटी वाइज स्टार्ट किया है बेस्ट ऑफ
इस्लामाबाद, देन बेस्ट ऑफ प्रोविंस, देन बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि तीन हमारी सीरीज़ बन जाती हैं। इसी तरह अगर कोई गाइड है तो गाइड्स के हमारे अवार्ड्स हैं, अगर कोई माउंटेनियर है तो उसके अवार्ड्स हैं, अगर कोई राफ्ट क्लब का मालिक है तो उसके अवार्ड हैं, यानी कि क्लब का अवार्ड है, और जो बेस्ट राफ्ट कैप्टन है उसका भी अवार्ड है, ताकि हर लेवल, एग्जैक्टली, ये मोर देन 50 कैटेगरीज हैं हमारी, ताकि हर शख्स हर कैटेगरी पर आके जो है ना अपने लेवल पर आके जो है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो अपने आप को प्रोमिनेंट कर सके और अवार्ड हासिल कर सके। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि एनटीपी के प्रोजेक्ट जो हैं, इसकी मरकजी फजीला जो होती है, जब कौमी सियाहत का है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेशनल टूरिज्म जो है, इसका जो मेन मकसद है या मेन गोल इसका क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल टूरिज्म या मरकज फजीलत बराए कौमी सियाहत, ये हमारा एनटीपी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग एजुकेट करते हैं ये जितने भी टूरिज्म ऑपरेशंस में आना चाहते हैं, यानी कि ये समझ लें कि एक तरह से ये यूथ के लिए एक प्रोजेक्ट है कि अगर वो टूरिज्म के बिज़नेस में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे कुछ ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग उनको बाकायदा कोर्सेज करवाते हैं कि वो कैसे टूरिज़म इंडस्ट्री में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और टूरिज़म इंडस्ट्री की किस कैटेगरी, किस क्लासिफिकेशन में जो है उनका इंटरेस्ट है, तो एग्जैक्टली हम उस कैटेगरी में ही उनको लेकर जाते हैं और उसकी उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स होती हैं। और यहाँ पे जो है, जैसे नाम से जाहिर हो रहा होगा कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे रिसर्च का काम होता है, तो हम लोग जो है नेशनल टूरिज्म इंडस्ट्री पे ना सिर्फ ख़ुद भी रिसर्च कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी जो टूरिज़म के शोबों में ये डिग्रीज़ हासिल कर रहे हैं, तो हम उनको भी रिसर्च में मदद देते हैं, और ना सिर्फ बल्कि मदद देते हैं बल्कि उनके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करवाने में भी मदद का मुआवन साबित होते हैं। सही। अच्छा ज़िशान, आपसे काफ़ी मालूमात भी हमें मिली हैं और बहुत सारी बातें भी हमने डिस्कस की हैं। अब एक मेन जो इशू है वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया हुआ कि सैर व सियाहत को वो ज़्यादा जो है वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो गवर्नमेंट करे जिसकी वजह से जितना जल्दी हो सके इस जो है डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दी जा सके? देखिए, हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट लेवल पर आकर देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि हमारे जो है टूरिज़्म मिनिस्ट्री को ही ख़त्म कर दिया गया। ऑब्वियसली, ठीक है, उसको जो है PTDC में कन्वर्ट कर दिया गया और देन उसको भी जो है फिर मिनिस्ट्री ऑफ कैड के अंडर घुसेड़ दिया गया, यानी कि वो खत्म कर, एग्जैक्टली, वो भी ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी भी उसको किसी और मिनिस्ट्री के साथ रिलेट कर दिया गया है, टूरिज़्म को एक सेपरेट उसकी मिनिस्ट्री नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि जब एक मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं तो वो उनका माइंड जो है फैल जाता है, हर तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, जो अगर जैसे हर मुल्क में देखा जाए तो टूरिज़्म की एक मिनिस्ट्री है, उनका फोकस ही टूरिज़्म है और वो टूरिज़्म के अलावा और कुछ नहीं सोचते, तो मेरी सबसे पहली तो इनके लिए सजेशन यही होगी कि वो उस मिनिस्ट्री को बहाल करें और अपना एक मिनिस्टर जो है डेडिकेट करें सिर्फ टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, जिसका फोकस जो है KPK में हुआ है। मुझे ये खबर पिछले दिनों मैंने TV पर सुनी थी और मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी कि वहाँ पर जो है चेंजेस, और डेफिनेटली बात है अगर देख लें तो ये पिछला 5 साल टेन्योर देखें तो वहाँ तो वैसे भी बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में। मैंने एक जगह का नाम लिया था कुमराट वैली। कुमराट वैली को पहले कोई भी नहीं जानता था, देन वहां पे कुमराट वैली को पहले कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, देन वहां पे जो है इमरान खान ने एक विजिट किया और कुछ पिक्चर्स शेयर किए कि दिस इज़ अ कुमराट वैली। ठीक है, वीडियो भी थी जो सोशल मीडिया पे, एग्जैक्टली, वीडियोस भी थी, तो वो कुमराट वैली एकदम से ऐसे चढ़ गई कि ये जो सीज़न गुजरा है, नीलम में रुझान कम रहा, सवात में रुझान कम रहा, कुमराट में तो ऐसा इस दफ़ा लैंड रश हुआ कि दुनिया देखने वहाँ पे पहुँच गई कि कुमराट क्या जगह है भला। और जैसे इन्होंने ऐलान कर रखा है कि हम लोग जो है हर साल 4 रिजॉर्ट्स बनाएंगे, अब ये 4 रिजॉर्ट्स का मतलब 4 बिल्डिंग्स नहीं हैं बल्कि 4 नई डेस्टिनेशंस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रिज़ॉर्ट एक ही डेस्टिनेशन में बनता है, एक डेस्टिनेशन में एक से ज़्यादा रिज़ॉर्ट्स नहीं बनते। ठीक है, तो वो अक्सर लोग जो है ना वो 4 रिज़ॉर्ट्स को ये सोच लेते हैं कि वो 4 गेस्ट हाउसेस बन जाएंगे, ये रिज़ॉर्ट्स बन जाएंगे तो लोग वहाँ पर स्टे करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब हर साल 4 नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर की जाएंगी और वहाँ पर उन्होंने ये भी वाज़ह तौर पर कहा था कि नथिया गली तर्ज पर उसको
डेवलप किया जाएगा। अगर नथिया गली तर्ज पे वो डेवलप होते हैं तो इट मींस कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री तो ऐसे फ्लरिश करेगी, इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगी कि सोच है एक। ये असल में नेशनल जो टूरिज्म है, हमारी सियाहत है, ये पाकिस्तान का एक मेन पार्ट समझ लें, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसमें अभी लास्ट टाइम एक देख रहा था कि एक बंदे ने एक जनरल रिसर्च की, वो कह रहा था K2 को फाल कर दिया जाए तो हमारे सारे कर्जे उतर सकते हैं। ऐसे ही एक्चुअली जैसे नेपाल में हम लोग अगर चलें माउंट एवरेस्ट की तरफ, तो वो लोग नेपाल अपनी सिर्फ एक माउंट एवरेस्ट जो पीक है वहाँ से जो है सिर्फ सालाना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे गए थे और उनसे मुझे पता चला कि वहाँ पे 3 स्ट्रीम लाइन्स डायरेक्टली चल रही हैं, कि लोग इधर से भी चढ़ रहे हैं, इधर से भी चढ़ रहे हैं, इधर से भी चढ़ रहे हैं, और रश इस तरह से है जैसे यहाँ पर ये हमारे राजा बाज़ार में लोग चल रहे हों। ठीक है, हमारी K2 जो है डिफ़िकल्ट है उससे एज़ कम्पेयर टू माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है, जैसे अगर मैंने 3 पाथ आपको बताए हैं, 3 ट्रैक्स बताए हैं, तो उन तीनों ट्रैक्स पे नीचे से ले कर चोटी तक बाकायदा रोप्स लगाई गई हैं, रस्सियाँ हैं। ठीक है, कि लोग उनको पकड़ के चढ़ते जा रहे हैं और हर कोई जो है ना K2 वो माउंट एवरेस्ट समिट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। K2 हर कोई समिट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम लोग इसी तरह से फैसिलिटेट करना शुरू कर दें तो K2 बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अभी आपने जिस तरह जिक्र किया कि पाकिस्तान में लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक लोग गए भी नहीं हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि कितना टाइम लगेगा गवर्नमेंट को, या जिस तरह उन्होंने एक ऐलान भी किया हुआ है कि वो ऐसी इनविजिबल प्लेसेस को कितने देर में वो बाहर ला सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट अगर अपने तौर पे ये सब कुछ करने पे आए ना तो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो यहाँ पे एडवेंचरस कंपनीज़ मौजूद हैं जो एक्सप्लोरेशन का ही काम करती हैं, ठीक है, आए दिन वो नए से नए नया एरिया एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हमारा NTP को ले लीजिए, NTP के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो एसोसिएशंस हैं, टूरिज्म एसोसिएशंस बाइकर्स की, और एडवेंचर क्लब्स हैं, माउंटेनियर्स हैं जो हमसे सर्टिफाइड हैं, और जो उनके हमारे पास पेपर्स आ रहे होते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने ये किया, इस ईयर ये कर रहे हैं, इस ईयर इसी जगह को देखा। जैसे अगर ये मेरे लास्ट एक इवेंट हुआ था लाहौर में, तो वहाँ पर सवाद से एक एडवेंचर क्लब है, वहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका, उनसे मुलाकात हुई। तो वैसे सवाद का अगर जिक्र किया जाए तो माहूडन लेक एक बहुत फेमस लेक है, उसने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि हम लोगों ने 110 लेक्स एक्सप्लोर कर ली हैं सवाद के एरिया में, यानी कि 110 लेक्स सिर्फ और सिर्फ सवाद में मौजूद हैं। तो मैंने कहा आपने दुनिया के सामने क्यों नहीं लेके आए, हम लोग लेके आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं। अगर वो क्लब लेके आता है तो नहीं पॉसिबल उसके लिए लेके आना। यही जो उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो एक्सप्लोरेशंस हैं, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो वो एक्सप्लोरेशंस ले और उसको जो है देखे कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम लोग फौरी तौर पर फाल कर सकते हैं, फौरी तौर पर फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत तेज़ी से हमारा पाकिस्तान एक्सप्लोर हो सकता है। आखिर में आप नाज़रीन को अपने नेशनल टूरिज़्म जो पाकिस्तान आपकी कंपनी है इसके हवाले से एक तो कोई मैसेज दे दें, और दूसरा ये बता दें कि जो सियाह के शौकीन लोग हैं वो किस तरह आप तक कॉन्टैक्ट करें, या फिर आपके किस तरह आपसे ताल्लुकात जो है वो अपने इस्तवार कर सकते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो एक मैसेज दूंगा कि उन लोगों को जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो एज़ अ टूर ऑपरेटर काम कर रहे हैं, एडवेंचर क्लब के तौर पे काम कर रहे हैं, गेस्ट हाउस ऑनर हैं, होटल ऑनर हैं, या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट करते हैं, सबसे पहला तो मेरा उनको एक सजेशन होगी कि वो अपने आप को स्टैंडर्डाइज करें, अपने स्टाफ को ट्रेन करें, ख़ुद ट्रेनिंग्स हासिल करें, रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स लें और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स लें, ताकि उनके साथ जितने लोग जा रहे हैं वो कॉन्फिडेंट हो सकें, उनको जो है आगे जो हर्डल्स आती हैं, और सबसे अहम बात कि वो अपने आप को 100% अप टू डेट रखें कि वो किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, कोई लैंडस्लाइड तो नहीं है, कोई ब्रिज बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ हुआ, ताकि कोई हादसा ना हो। और दूसरा, जो टूरिस्ट हैं जो ख़ुद भी जाते हैं या किसी टूरिज़्म कंपनी के साथ जाते हैं, उनको चाहिए कि वो जो है किसी भी टूरिज़्म कंपनी के साथ जाने से पहले उनसे कन्फर्म करें, आर दे सर्टिफाइड, आर दे लाइसेंस्ड, उनके जो है स्टाफ को ट्रेनिंग्स हासिल हैं या नहीं। वो उनको बाकायदा एक क्वेश्चनेयर हमारा NTP की तरफ से जारी किया गया है कि किसी भी टूरिज़्म इंडस्ट्री या टूर ऑपरेटर्स के साथ जाने से पहले वो एक क्वेश्चंस
प्रॉपर तरीके से उनसे करें, और ताकि उनको पता चले कि ये ऐसे ही कोई उठ के टूर ऑपरेटर तो नहीं बन गया, वो प्रोफेशनल्स हैं या नहीं हैं। क्योंकि देखें, ये इसमें आपकी ज़िंदगियां इन्वॉल्व हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो सकता है, आप ख़ुद जो है उसमें जान से हाथ धो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए। और अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो nationaltourism.pk हमारी वेबसाइट है, उससे हमें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। वहीं पे हमारे जो है दीगर कॉन्टैक्ट के ज़राए मौजूद हैं, वहाँ से हमें वो किसी भी तरीके से रابطہ कर सकते हैं, हमें बाकायदा कंप्लेंट्स कर सकते हैं कि उनके साथ अगर कोई मिसहैप हुआ किसी टूर ऑपरेटर की तरफ से या किसी गेस्ट हाउस की तरफ से या किसी भी तरह से। तो हमारी जो है नेशनल टूरिज़म पाकिस्तान इसके हवाले से भी बाकायदा तौर पर एक्टिव है, और NTP ही की एक और प्रोजेक्ट है नेशनल टूरिज़म एसोसिएशन, जो कि टूरिस्ट के फ़रोग़ के लिए भी ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि टूरिज़म इंडस्ट्री के इस्तेहकाम के लिए भी काम कर रही है, ताकि ये इनका जो है एक आपसी रिलेशन ऐसा डेवलप हो सके कि कोई भी टूरिस्ट किसी भी टूरिज़म ऑपरेटर या टूरिज़म ऑपरेटर किसी भी टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशन से नीचे ना जाए। थैंक यू ज़िशान शहज़ाद, आपने हमें बहुत सारी मालूमात से आगाह किया। जी तो नाज़रीन, ये ज़िशान शहज़ाद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल टूरिज़म पाकिस्तान के, इन्होंने हमें बहुत सारी मालूमात से आगाह किया। यू न्यूज़ के प्रोग्राम लेट्स टॉक से मुझे दीजिए इजाज़त, एक रोज़ फिर नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।